आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मेट्रिक स्पेस, ठीक है। डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं कि डिफिनीशन क्या होता है, किस टाइप का होता है, इसके प्रॉब्लम कैसे होते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं सिंपली डिफिनीशन। ओके, तो कोई एक नॉन एम्प्टी सेट एज्यूम कर लीजिए आपके पास है, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ओके, ठीक है। देन ए फंक्शन डी डिफाइंड फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर, ठीक है, इज शेड टू बी मेट्रिक, इज शेड टू बी मेट्रिक इफ इस स्पेस पे मेट्रिक ऑन एक्स इफ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है, लिखवाने का मोटो ये है कि इसके आप प्रॉपर्टीज यूज करके ही आप डायरेक्टली ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हैं या प्रूफ प्रूफ करने के लिए। तो आपको ये सारी प्रॉपर्टी देखना होता है। फर्स्ट है पॉजिटिविटी, ठीक है, दैट इज डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए एक्स। ओके, अच्छा, कहीं कहीं इस स्टेटमेंट को क्या लिखा रहता है, आपको इस टाइप से और सेकेंड स्टेटमेंट एक और दे देगा इक्वलिटी वाला, डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है, वेयर एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। ओके, थर्ड वन है डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स। ओके, तो थर्ड वन है डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स, एंड फोर्थ वन है आपका डी एक्स कोमा वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई। ओके, ठीक है, इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसको बोलते हैं नॉन निगेटिविटी कंडीशन, ठीक है, मतलब ए निगेटिव कभी नहीं होगा, आइधर जीरो होगा आइधर पॉजिटिव होगा। ओके, ए उसी का पार्टिकुलर केस है कि जब दोनों पॉइंट इक्वल हो जाए तभी जीरो होगा। किस टाइप से, इसको आगे हम लोग वर्क करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, एंड इसको बोलते हैं ट्रांजिटिविटी, सॉरी ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ए हो गया, इस डी को अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन इस टाइप से मिलता है जो किसी सेट नॉन एम्प्टी सेट एक्स पे एक्स क्रॉस एक्स से आर में डिफाइंड हो कुछ इस तरह से कि वो इन सारे प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो जो भी फंक्शन होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो मेट्रिक होगा। एंड इस जो सेट हमारा एक्स था इस डी के साथ अगर हम कंबाइन लेंगे तो इस ऑर्डर पेयर को बोलते हैं मेट्रिक स्पेस, ठीक है। आपको बहुत सारे बुक में और प्रॉब्लम में क्या सिंपली एक्स लिखा रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे नोट लिखवा दे रहा हूँ, आपको सीधा बोलेगा लेट एक्स इज अ मेट्रिक स्पेस, ठीक है। तो इस टाइप से लिखेगा तो आपको ये नहीं समझना है कि ये सिर्फ एक्स है, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। जब भी बात करता है कि ए इस चीज को कंसीडर करता है तो बार बार एक्स कोमा डी नहीं लिखता है, ये सिंपली ये शो करता है कि इस एक्स का कोई ना कोई एक मेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो ये एक्चुअली कभी कभी हम इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फंक्शन। ओके, तो ए भी नोट, अब डिस्टेंस से आपको ये चीजें समझने में आसान होगी, ठीक है। अब डिस्टेंस वाले से एक बार समझ के देखिए इसको। ओके, तो देखिए दो पॉइंट, आप कोई भी दो पॉइंट लीजिए, ठीक है, अगर ये दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में लो, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, देखो ये जीरो है ना। अगर ये दोनों पॉइंट सेम हुआ तो देखो इस पॉइंट पर रहोगे तो इस एक पॉइंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितना होता है, जीरो होता है। अगर वो दोनों पॉइंट इक्वल नहीं हुआ किसी भी डायरेक्शन में हो, ठीक है, मान लो इस डायरेक्शन में हुआ कहीं, मान लो ए पॉइंट है, ए पॉइंट जहां भी लोगे, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट कंडीशन यही कहता है आपका कि ऑलवेज ए डिस्टेंस इज आइदर इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट इज पॉजिटिव। तो इसी को हम बोलते हैं नॉन निगेटिविटी कंडीशन। इसको दूसरे लैंग्वेज में लिखने का क्या तरीका है कि इसको कभी कभी ए ऑप्शन नहीं देगा और इसको यहाँ पे दे देता है कि जब दोनों पॉइंट इक्वल होंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट भी यहीं है तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो इसको हम सेकंड कंडीशन से समझ सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर पॉइंट ए से
जो बी का डिस्टेंस मान लो कुछ 5 किलोमीटर है, तो बी से ए का भी तो डिस्टेंस सेम होगा ना, तो इसको हम सिमेट्रिसिटी से समझते हैं कि सिमेट्रिक कंडीशन भी होल्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट होने ट्रेंगल इनइक्वालिटी, अगर मान लो आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, आप कोई एक थर्ड पॉइंट कहीं भी ले लो, मान लो आपने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक देखो, ठीक है, तो ए से सी का डिस्टेंस और सी से बी का डिस्टेंस, ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन होगा इस दोनों का सम, किसके, ए बी से। तो वही चीज लिखा हुआ, अगर ए पॉइंट ए से ले लो, एक्स है ए वाई है, कोई जेड कहीं भी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा, ठीक है, तो ये देख लो एक्स से जेड का डिस्टेंस ए डिनोट किया और जेड से वाई का डिस्टेंस ए डिनोट कर रहा है, तो ये क्या होगा, इस दोनों का सम जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन होगा एक्स से वाई तक के डिस्टेंस का, और इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, जब ये तीनों पॉइंट को लेने वाले हो, दैट इज एक्स वाई और जेड क्या कर रहे हो, सेम लाइन पे लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये तीनों इसके कंडीशंस हैं, और आपको क्या करना है, आपके लिए ट्रिक क्या है, बहुत बार जब हमें ऑप्शन में क्या रहता है, ऐसे चार ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैट्रिक, ठीक है, तो आपको देखना होगा कहीं ये चीज मिस तो नहीं हो रहा, कहीं ये चीज मिस तो नहीं हो रहा, कहीं ये चीज मिस तो नहीं हो रहा, और हिंट देता हूँ मोस्ट ऑफ द केसेज में इन्हीं दो को हमें देखना होता है, और इनमें भी फिल्टर करें तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है जो होल्ड नहीं करता है, मोस्टली मेट्रिक स्पेस, अगर ये होल्ड कर गया इसके बाद आप सेकेंड डे देखोगे, इसके बाद ये तो लगभग हो ही जाता है, कभी कभी हमें डायरेक्टली दिख जाता है कि ये इक्वलिटी वाला नहीं हो रहा, अगर दो पॉइंट इक्वल है और उनके करस्पोंडिंग जो फंक्शन का वैल्यू 0 नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे कोई मेट्रिक नहीं होगा, इनमें से कोई भी एक कंडीशन फेल हो गया तो वो मेट्रिक जिसके करस्पोंडिंग फेल हो रहा है वो कभी भी मेट्रिक नहीं बनाएगा, सो गिवेन सेट जो हम एक्स लिए रहेंगे वो क्या होगा, आपका मेट्रिक स्पेस नहीं होगा, ओके। तो आगे बढ़ने से पहले एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ओके, एग्जाम्पल देखने से पहले कुछ और चीज देख लेते हैं, ओके। एक आता है इंड्यूस्ड मैट्रिक्स, आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा, इसको देख लेते हैं, इंड्यूस्ड मैट्रिक्स। हमारे पास अब एक चीज आ गया क्या, डी, ठीक है, दैट इज हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस है एक्स डी, ओके। तो अब एक क्या करेंगे, एक दूसरा मैट्रिक बनाएंगे इसके किसी सबसेट पे, ठीक है, जो इसी फंक्शन के करस्पोंडिंग आया रहेगा, दैट इज मान लो पहले मैं इस पे काम कर रहा था, अब मैं इस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा एक्स है और ये वाई है, मैट्रिक वही डी वाली है, तो अगर ए डी इस पे होल्ड कर रहा है तो इस वाई कोमा डी को हम बोल देंगे कि ये इंड्यूस्ड मैट्रिक होगा, दैट इज इसको अभी इसको इंड्यूस करेंगे तो कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, तो इसको मैं डी बार नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको लैंग्वेज में कैसे देखेंगे, ए मैट्रिक सब स्पेस, ए मैट्रिक सब स्पेस, सब स्पेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि तो मैट्रिक स्पेस है ना, ए मैट्रिक सब स्पेस, इसको वाई नाम दे दो, वाई डी डैश नाम दे दो, ठीक है, डी डैश ऑफ एक्स कोमा डी, एक्स डी हमारा कोई मैट्रिक स्पेस था, एक्स डी मैट्रिक स्पेस होने का मतलब कि अब जो प्रॉपर्टीज थे वो सेटिस्फाई कर रहा था, तो मुझे बार बार लिखना होगा इनको, मैं ना कुछ नोटेशन दे दे रहा हूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी को एम वन नाम दे रहा हूँ, सेकेंड वाले को एम टू, इस तरह से, दैट इज दिस विल बी योर एम वन प्रॉपर्टी, दिस विल बी योर एम टू प्रॉपर्टी, दिस विल बी योर M3 प्रॉपर्टी एंड दिस विल बी योर M4 प्रॉपर्टी, ओके। तो जब भी मैं प्रॉपर्टी 1, 2, 3 की बात करूंगा तो आप समझ जाना कि फर्स्ट क्या है, सेकेंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, ओके। तो यहाँ पे ए मैट्रिक सबस्पेस इतना ऑफ एक्स डी इज ऑब्टेंड बाई, इज ऑब्टेंड बाई, अभी भी देखिए एक्स वाई में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अब बन जाएगा ऑब्टेंड, सॉरी ऑब्टेन बाय टेकिंग, या ऑब्टेन ऑब्टेन इसको ऐसे कर दो, बाय नहीं लगाते हैं, ए मैट्रिक्स सबस्पेस इतना ऑफ इतना इज ऑब्टेन इफ, मतलब मैं जस्ट वाई को एक्स का सबसेट लेना चाह रहा हूँ, उसको लैंग्वेज में फिट कर, इफ वी टेक वाई को सबसेट ले रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास तो एक्स का सब, एक्स तो ऑलरेडी हमारे पास था, ठीक है, एंड रिस्ट्रिक्ट डी टू, इसको डी को, अब इस डी को इस पे वाई पे रिस्ट्रिक्ट कर दो, रिस्ट्रिक्ट डी टू इस वाई क्रॉस वाई, ठीक है, दस दस मैट्रिक, दस मैट्रिक ऑन वाई इज रिस्ट्रिक्शन,
ओके एक्चुअली क्या कर रहे हैं, इंड्यूस्ड मतलब वो इंड्यूस होकर आ रहा है, ठीक है, मतलब कुछ एक छोटा सा कंडीशन लगा है जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बोल रहे हैं। तो हमने एक वाई उसका सबसेट लिया और जो मैट्रिक पहले से था उसको इस पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो इसी मैट्रिक को हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड मैट्रिक। तो इसको कुछ अलग नाम दे दीजिए, तो इसको मैं नाम दे दिया, ऊपर डी बार यूज किया था ना, तो डी बार ही ले लीजिए, रिस्ट्रिक्शन डी बार क्या हो जाएगा, जो डी है इसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया वाई क्रॉस वाई पे, ठीक है। तो इस पूरे को मैंने डी बार नाम दे दिया, ठीक है। तो इसमें ना जस्ट सिंपल से आपको यह समझना है कि कोई हम एक हमारे पास ऑलरेडी मैट्रिक दिया हुआ है उसको उसके किसी सबसेट पे हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं इंड्यूस्ड। एक पॉपुलर एग्जांपल है डिस्क्रीट मैट्रिक, ठीक है, डिस्क्रीट मैट्रिक ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इट इज डिफाइंड बाय, मेन हमें डी ही देखना है ना, कि डी क्या होगा। तो डी आपका जो कुछ इस टाइप से डिफाइंड होता है, अगर एक्स इक्वल टू वाई हो, ठीक है, तब ए जीरो दे देगा, और जब एक्स वाई के इक्वल ना हो तब ए वाई दे देगा, ठीक है। तो इस टाइप के मैट्रिक को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट मैट्रिक, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग हम किसी नॉन एम्प्टी सेट एक्स पे देख रहे हैं ना, तो उस नॉन एम्प्टी सेट एक्स को क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, ओके, एंड स्पेस एक्स कोमा डी, इस डी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। द स्पेस एक्स कोमा डी इज कॉल्ड डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। क्वेश्चन नोट डाउन करिए, डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, क्या ये मैट्रिक होगा या नहीं होगा? नहीं होगा तो कौन सा प्रॉपर्टी फेल कर रहा है, अगर होगा तो आप लोग प्रूफ करके जल्दी बताइए, क्वेश्चन क्विकली करिए। कुछ चीज़ों का मैं प्रूफ करवाऊंगा क्योंकि आपको बाद में ये चीज़ रियलाइज होगी कि प्रूफ का क्या फ़ायदा हो रहा है। और मैट्रिक स्पेस में आपको ज़्यादा थ्योरी नहीं जाननी है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है क्वेश्चन, आप देखोगे सोल्व कर दोगे। हाउ टू प्रूफ, हाउ टू प्रूव दैट डी इज मैट्रिक, ओके। आपको क्या करना है, ग्रुप थ्योरी का डेफिनेशन याद करिए। अगर हमें कोई नॉन एम्प्टी शेट दिया रहता था तो हम कैसे बोलते थे कि ए गिवन शेट इज ए ग्रुप और नॉट, जस्ट स्टार्ट वी हैव स्टार्टेड चेकिंग प्रॉपर्टीज वन बाई वन, ओके। तो इन सिमिलर मैनर हमें यहाँ पे वर्क करना है। यहाँ पे आपको चारों प्रॉपर्टी देख लेनी है फटाफट, तो चलिए देखते हैं कि जो भी ऊपर कंडीशन है सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो सॉल्यूशन या प्रूफ कैसे करेंगे समझते हैं। आपको देखना है कि इफ डी इज मैट्रिक, इफ डी इज मैट्रिक देन इट विल सेटिस्फाई ऑल द एबव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या था आपका, M1 से M4 था, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं, M1, ठीक है। तो M1 क्या था, पॉजिटिविटी था, ओके। तो इसमें डी एक्स कोमा वाई लीजिए, ठीक है। तो डी एक्स कोमा वाई क्या होगा, मोड ऑफ ए माइनस बी, और हमें पता है कि मोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट ही यहाँ से ए होल्ड कर गया, ठीक है। अब सेकेंड चीज देखते हैं हमारा इक्वलिटी वाला, ठीक है, शॉर्ट में आपको करना है। और इक्वलिटी कब होगा, एक्स कोमा वाई इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा सॉरी ये एक्स माइनस वाई ना, क्या क्या लिख दे रहा हूँ जी, एक्स माइनस वाई इतना इक्वल टू जीरो इम्प्लाई एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ से यही हुआ ना, मतलब ए चीज जीरो होगा, और ए चीज जीरो होने का मतलब क्या हुआ, किसी का मॉडुलस जीरो हो रहा है, इसका मतलब अंदर की क्वांटिटी जीरो हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, एक्स इक्वल टू वाई। तो यहां से आप देख रहे होंगे हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गया। तो आपको इसी वे में जब भी कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिले तो आपको एक एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा के देखनी है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ये हो गया एकेडमिक के लिए, बट आपको एग्जाम में काम पड़ेगा तो आपको देख के सोच लेना मन में कि इसे होगा कि नहीं होगा, अगर लग रहा है कि नहीं होगा तो उसके अकॉर्डिंग सोचना शुरू कर देना। थर्ड वन क्या था हमारा, सिमेट्रिक वाला, तो सिमेट्रिक ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, एक्स माइनस वाई, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या बन गया, वाई कोमा एक्स। यहां से आप देख रहे होंगे थर्ड प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गया, ठीक है।
अब लास्ट बचा हमारा ट्रेंगल इनइक्वलिटी वाला, तो क्विकली उसको भी देख लेते हैं। ओके तो ट्रेंगल इनइक्वलिटी में ले लीजिए कि लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, आर ही पे हम देख रहे हैं ना, हमारे यहाँ पे एक्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, आर कर रहा है। ओके तो डी ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू क्या होगा, कुछ एक्स माइनस वाई, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। ओके अब मॉडुलस ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, लेस देन हो जाएगा, एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। ओके और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स कोमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई। ठीक है तो इस तरह से ट्रेंगल इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई करेगा, इंप्लाई क्या करेगा कि डी इज मैट्रिक मैट्रिक। ठीक है और जो भी सेट है एक्स इक्वल टू आर था। ठीक है और ये बहुत पॉपुलर है, जैसे डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस हमने पढ़ा उसी तरह इस मैट्रिक स्पेस को हम लोग कहते हैं नोट, ये जो अभी हमने ए ए जो मैट्रिक ऊपर वाला हमने डिफाइन किया आर डी विथ विथ एवब मैट्रिक इज नोन एज यूजुअल यूजुअल मैट्रिक स्पेस। तो आप देखेंगे आपके एग्जाम में डायरेक्टली लिखा रहेगा कि लेट एक्स इज यूजुअल मैट्रिक स्पेस, मतलब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सिंपली डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्स एंड वाई। ठीक है डीएक्स वाई का मतलब डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, दैट इज एक्स वाई का डिफरेंस, इस टाइप से आपके मन में आना चाहिए। ठीक है आपका होमवर्क रहेगा जो मैंने डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस दिया था वो आपको प्रूफ कर लेना है कि डिस्क्रीट मैट्रिक वाला प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है कि नहीं, ऑब्वियस बात है होल्ड करेगा सबको पता है। ठीक है तो अगर होल्ड नहीं करेगा तो फिर तो होगा ही नहीं, तो जस्ट मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आपको फॉर्मूले याद हो जाए। ठीक है कुछ मैं पॉपुलर लिखवा दे रहा हूं जो आपको अब डायरेक्टली एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प करेंगे। ओके तो कुछ रिजल्ट्स देखते हैं जो हमें डिस्कार्ड करने के लिए काम पड़ेंगे हमारे एग्जाम में, रिजल्ट क्या है। सपोज एक्स इज नॉन एम्प्टी सेट एंड डी, पहले ए फॉर्मेलिटी तो हमारे पास रहेगा ही। ठीक है हमारे पास इतना दिया हुआ है। ओके देन देन दिस डी इज ए मैट्रिक, देन दिस डी इज मैट्रिक ऑन एक्स, एक्स दिस डी इज मैट्रिक ऑन एक्स इफ एंड ओनली इफ, पहला कंडीशन ये हो गया और सेकेंड कंडीशन डी ए बी, ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा मैं क्या करवा रहा हूँ, ये हो गया आपका ट्रेंगल इनइक्वालिटी। ठीक है और इसमें देखिए सिमेट्रिसिटी भी इन्वॉल्वड है, डी जेड ए प्लस डी जेड डी। ठीक है अगर ये दोनों रिजल्ट होल्ड कर जाता है तो हम बोलेंगे को मैट्रिक होगा, इफ एंड वाली इफ है। ठीक है मतलब इनमें से अगर कोई एक होल्ड नहीं करता है तो ये मैट्रिक नहीं होगा। इसको मैं रफली समझाता हूँ आप कैसे याद रखेंगे, ए ओ वाला कंडीशन हुआ अगर दोनों पॉइंट इक्वल है तो डिस्टेंस उनके बीच का जीरो होगा, सॉरी। ओके तो यहां से ए वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके ट्रेंगल इनइक्वालिटी कुछ इस टाइप का था, तो यहां पे देखिए डी ए बी क्या होगा, अगर बीच का जेड ले तो हमारा क्या होना चाहिए, ए से जेड प्लस जेड से बी, इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है तो ए ट्रेंगल इनइक्वालिटी का कंडीशन हो गया, और अगर मैट्रिक है तो देखो सिमेट्रिक होगा ना, तो सिमेट्रिक होगा तो जेड से ए और ए से जेड दोनों बराबर होगा आपस में, तो इसके जगह पर क्या किया मैंने इसको उठा के रख दिया, तो इसको उठा के रख दिया तो हमारा एक कंडीशन बन गया। तो ये दोनों कंडीशन को मिला के मर्ज किया गया, आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप इसको प्रूफ कर लेना कि ये एक मैट्रिक होगा। ठीक है इसको आप दूसरे वे में लिख सकते हैं कि सपोज एक्स इज नॉन एम्प्टी सेट ऑन इतना देन, ठीक है आप इसको होमवर्क नोट कर लीजिए, देन सो दैट देन सो दैट डी इज मैट्रिक ऑन एक्स। ठीक है सेकंड कहता है कि अगर एक्स बराबर हमारा एक्स डी कोई एक मैट्रिक स्पेस है एंड कोई ए बी जेड ले लीजिए एक्स से, ठीक है देन देन डी ऑफ ए कोमा बी माइनस डी ऑफ बी कोमा जेड, ठीक है
ए जो होगा लेस देन इक्वल टू होगा आपका डी ऑफ ए कोमा जेड। ठीक है, अगर ए चीज अगर कोई डी मैट्रिक है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, बट कोई सेटिस्फाई कर गया इसका मतलब ये नहीं है वो चीज मैट्रिक होगा। ठीक है, अब एक दो और देख लेते हैं धीरे धीरे, हम लोग अभी नेट के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कवर कर लिया, जब क्वेश्चन दूंगा तो शायद आप लोग क्विकली उस टाइम कर पाएंगे। थर्ड क्या है, इफ डी इज मैट्रिक ऑन एक्स, देखो इस टाइप से दे सकता है या फिर आपको देगा लेट एक्स डी इज ए मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो भी आपको सेम ही चीज समझना है कि वो उसी इसी बात कर रहा है कि इसका मतलब डी इज मैट्रिक है। ओके, देन डिफाइन ए न्यू मैट्रिक, डिफाइन ए न्यू मैट्रिक, डिफाइन ए न्यू मैट्रिक ऑन एक्स एज, ठीक है, डिफाइन ए न्यू मैट्रिक, कुछ इसको ई नाम दे देता हूं मैं, डिफाइन ए न्यू मैट्रिक ई, ओके, ऑन एक्स एज, कैसे, ई ऑफ एक्स कोमा वाई डी ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन में वन प्लस डी ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो हमने एक न्यू मैट्रिक कुछ इस टाइप से डिफाइन कर दिया। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि ए मैपिंग डिफाइंड, ए मैपिंग ई डिफाइंड ऑन एक्स क्रॉस, इसको हमने ऐसे ले लिया एक्स क्रॉस एक्स आर में। ठीक है, तो ए मैपिंग ई डिफाइंड एज दिस एंड दिस इज कॉल्ड ए मैट्रिक ऑन एक्स, मतलब अगर डी आपके पास मैट्रिक है तो ए भी एक मैट्रिक बनाएगा। ठीक है, एंड ए मैट्रिक, ए पॉपुलर मैट्रिक है, इसको हम लोग बोलते हैं अगर डी हमारा यूजुअल मैट्रिक स्पेस होता है तो ए मैट्रिक क्या बन जाता है आपका कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। दैट इज यूजुअल आपका क्या था, डी इज इक्वल टू था एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डी ए चीज है तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होगा। ठीक है, देखेंगे वो भी आएगा तब। नेक्स्ट देखते हैं आइसोमेट्रिक में। ठीक है, आइसोमेट्रिक, ये एक्चुअली मैट्रिकल रिजल्ट है। मान लो कि आपके पास दो मैट्रिक स्पेस है एच डी एंड वाई। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला ही हो। ठीक है, ले सपोज मान लीजिए कि इतना एंड इतना आ टू मैट्रिक स्पेस। ठीक है, एंड एंड एक मैपिंग कुछ क्यू डिफाइन कर लीजिए। ठीक है, इस एक्स से वाई में, ठीक है, एक डिफाइन कर लिया इस टाइप से, देन क्यू इज कॉल्ड आइसो मेट्रिक या आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक मैप। ठीक है, आइसोमेट्रिक मैप इफ एंड ऑनली इफ जो ई ऑफ ए ई वाला ले लिया तो क्यू ए दो पॉइंट ले लिया इधर का ए इक्वल टू हो जाए डी ऑफ ए बी। दैट इज ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक स्पेस है, ठीक है, एक एच डी होगा एक वाई हो गया और आपने एक मैपिंग क्यू ले लिया इस मैट्रिक स्पेस से इसमें। ठीक है, तो ए बोला कि इसके रिस्पेक्ट में आपका मैट्रिक क्या था, ई था, इसके रिस्पेक्ट में मैट्रिक डी था। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि जो ई के रिस्पेक्ट में डिफरेंस डिस्टेंस होगा क्यू ए और क्यू बी के बीच में वो इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अगर ऐसा होल्ड करता है तो बोलेंगे उसको आइसोमेट्रिक मैप होगा। ठीक है, अच्छा, अगर कोई मैपिंग क्यू आपका आइसोमेट्रिक मैप होता है, ठीक है, इफ क्यू इज आइसोमेट्रिक मैप, इफ क्यू इज आइसोमेट्रिक मैप फ्रॉम मान लो कि एक्स डी टू वाई। ठीक है, अगर इस टाइप से होता है तो जो क्यू हो जाएगा वो इंजेक्टिव मैप हो जाएगा। ठीक है, देन क्यू इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब वन वन। ठीक है,
अच्छा अब एक जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, रामबाण की तरह काम करेगा, जैसे होता है ना निकालो धाएं धाएं मारते जाओ एकदम क्वेश्चन, वो क्या है नेक्स्ट कितना नंबर था जो भी था, मान लो फिफ्थ नंबर हो मुझे याद नहीं। ओके अगर इफ डी वन एंड डी टू आर टू मैट्रिक्स, आर टू मैट्रिक्स ऑन एक्स, सेम एक्स पे ठीक है, देन देन ए टाइम्स डी वन प्लस बी टाइम्स डी टू, वेयर वेयर ए कोमा बी इज पॉजिटिव, ठीक है जीरो भी ले सकते हैं, वेयर ए एंड बी इज नॉन निगेटिव, देन इतना इज ऑल्सो ऑल्सो ए मैट्रिक्स ऑन एक्स। अब आप लोग को याद आया इस टाइप के कितने सारे आपके नेट गेट में क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। अभी आप लोग का ड्यूटी क्या है, जल्दी से इसको प्रूफ देख करके देखिए कि ए डी वन प्लस बी डी टू मैट्रिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको ई नाम दे दीजिए, ई बराबर ए डी वन प्लस बी डी टू इज मैट्रिक ऑन एक्स, प्रूफ दैट, जल्दी से आप लोग प्रूफ करके देखिए। आंसर तो पता चल गया कि होगा ही, ठीक है। तो देखिए क्या चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, अगर किसी का नहीं होता है तो जल्दी से आप बताना, क्योंकि ये वो फॉर्मूला है, वो सूत्र है जिसकी हेल्प से आप नेट गेट का धाएं धाएं क्वेश्चन मारते जाओगे। अच्छा यहाँ पे देखिए ऊपर वाला क्वांटिटी छोटा है, नीचे वाला क्वांटिटी बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बॉन्डेड हो गया। तो इस टाइप के मैट्रिक को हम लोग बॉन्डेड मैट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्डेड मैट्रिक के कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को, और उसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक स्पेस बनेगा उसको बॉन्डेड मैट्रिक स्पेस। तो चलिए देखते हैं कि ए मैट्रिक होगा कि नहीं होगा। ओके प्रॉपर्टी फर्स्ट से शुरू करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं कि ये मैट्रिक होगा कि नहीं होगा। मैट्रिक होगा तो ऑल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हम एम वन से स्टार्ट करते हैं, एम वन क्या था, नॉन निगेटिविटी। ओके चूंकि डी वन मैट्रिक हियर, पहले हमारा गिवन डाटा नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। गिवेन क्या आपको गिवेन है कि डी वन एंड डी टू आर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाई करता है कि डी वन एंड डी टू विल सेटिस्फाई सेटिस्फाई ऑल एम वन टू एम फोर प्रॉपर्टी, ठीक है। जितने भी प्रॉपर्टी है सारे सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये तो आपके गिवन में है ना, ये दोनों मैट्रिक है। ओके अब हम अपना देखते हैं, क्लेम हम करते हैं, क्लेम क्या कर रहे हैं कि ई हमारा मैट्रिक होगा, तो लैंग्वेज नहीं लिखना है। ओके फंस गया क्या कलम। ओके तो अब जैसे लीजिए कि चूंकि डी वन मैट्रिक है, ठीक है, डी वन मैट्रिक है, इंप्लाई क्या करेगा, डी वन ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है ठीक है। तीन पॉइंट ले लिया, अब हम तीनों पॉइंट पे वर्क करते हैं। ओके तीनों कहाँ है, हमारा जो भी नॉन इम्प्टी सेट रहा होगा उस पर हम बात कर रहे हैं। तो चूंकि डी वन मेट्रिक है तो डी वन ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। सिमिलरली डी टू ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। तो अब इनका सम ले लो, तो इनका सम लेने पे तो एम्प्लाई क्या करेगा, ई ऑफ डी वन प्लस सॉरी ए था ना, ए ऑफ डी वन प्लस बी ऑफ डी टू, ठीक है। इसको एक साइड रख लो और इसको एक्स कोमा वाई कर लो, ठीक है, इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। इसी में हम दूसरा वाला देखते हैं, इसको ब्रेक करोगे तो हो जाएगा ए डी वन एक्स कोमा वाई प्लस बी डी टू एक्स कोमा वाई, ठीक है, इक्वल टू जीरो, इसको हम कर रहे हैं ना। अब इसको ब्रेक करोगे तो ये क्या है, इफ एंड ओनली इफ, हम ही कर रहे थे ना, हम बोल रहे हैं कि एक्स इक्वल टू वाई होगा, ठीक है। तो अब देखो जब ए एक्स इक्वल टू वाई लोगे तो क्या होगा, इसमें इफ एंड ओनली इफ कंडीशन था तो ए जीरो दे देगा, ए भी जीरो दे देगा, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, दोनों का सम जीरो आ गया। अच्छा जब दोनों का सम जीरो ले रहा है इसका मतलब क्या हुआ,
ए भी मैंने क्या लिया था, अगर ए और बी दोनों को जीरो ले लो तब तो तुम्हारा ट्रिवियल केस कोई मीनिंग ही नहीं बनता प्रूफ करने का, ठीक है। तो हम तो नॉन ट्रिवियल लेंगे ना, ए बी को जीरो लेके क्या करेंगे, वो मीनिंगलेस चीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ए और बी हम नॉन जीरो लेंगे, ए और बी नॉन जीरो लोगे तो इसका मतलब क्या बचा, जब ए नॉन जीरो है और बी नॉन जीरो है तो इसका मतलब ए दोनों ही जीरो बचा। सिंपली देखो, डी वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, डी टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और हमारे पास क्या दिया हुआ ऑलरेडी, ए कुमा बी जो है ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो इनका ले लो ए डी वन प्लस बी डी टू क्या होगा, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। इंप्लाई क्या किया, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। तो अच्छा, ये उल्टा शायद फर्स्ट प्रॉपर्टी ये था, सेकेंड ये था शायद। तो ए नॉन निगेटिविटी वाला होल्ड कर गया, यहाँ से इक्वलिटी वाला कर गया, क्योंकि डी वन डी टू आपका मेट्रिक है तो इसलिए। तो आप बाकी प्रूफ कर लेना, क्योंकि प्रूफ कराओगे तो अपना टाइम खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बम्बार्ड करते हैं, पाला ये सारे नेट गेट के पूछे हुए क्वेश्चन है। डी वन प्लस डी टू बाई वन प्लस डी वन प्लस डी टू, ये मैट्रिक होगा कि नहीं होगा, जल्दी से रिप्लाई करिए आप लोग। ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे, हमें पता था कि डी वन मैट्रिक है और डी टू मैट्रिक है, तो ए टाइम्स और ए बी टाइम्स इनका सम भी होगा। ए बी को वन वन ले लो, ठीक है, ए बी को वन वन ले लोगे तो ए खत्म हो जाएगा, ए खत्म हो जाएगा तो ऊपर वाला आ गया, इसको कुछ हमने ई नाम दे दिया। फिर हमने पढ़ा था कि ई बाई वन प्लस ई भी एक मैट्रिक होगा, ठीक है, तो ए वही चीज है, तो इससे भी ये चीज प्रूफ हो गया। ए टी एफ आर नेट एन बीचम सबका क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी वन प्लस टू डी टू, वन प्लस डी वन प्लस टू डी टू मेट्रिक होगा कि नहीं होगा, क्विकली रिप्लाई करिए, समझ में आएगा। नेक्स्ट नेट का क्वेश्चन आपका है ई के पावर पाई डी वन प्लस पाई के पावर माइनस ई डी टू, मेट्रिक होगा कि नहीं होगा, थर्ड बताइए, फोर्थ बताइए। ए के पावर माइनस पाई डी वन प्लस पाई के पावर माइनस ई डी टू अपवन वन प्लस ए के पावर माइनस पाई डी वन प्लस पाई के पावर माइनस ई डी टू, मैट्रिक होगा कि नहीं होगा, फोर्थ। आप बताइए कि डी इजक्वल टू यक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, मैट्रिक होगा कि नहीं? हिंट देता हूं, एम फोर फेल्ड, ठीक है। आप लोग भी वर्कआउट करना शुरू करिए। फेल्ड कैसे, कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए आपका मन किया तो एक्स इक्वल टू वन ले लीजिए, वाई इक्वल टू कुछ थ्री ले लीजिए, ठीक है, जो कुछ भी मन किया, और एक कोई भी जेड ले लीजिए, जेड इक्वल टू क्या लीजिएगा, टू ले लीजिए, ओके। तो वन से थ्री का डिस्टेंस क्या होगा, डी ले लीजिए, तो डी क्या हो जाएगा, वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर दैट इज फोर, ठीक है। अब हमने वन से टू ले लिया तो हमें इसको दिखाना है कि लेस देन इक्वल टू होगा वन से टू प्लस टू से थ्री। अच्छा, इस फॉर्मूले के अनुसार वन से टू के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, वन स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, वन स्क्वायर दैट इज टू। तो क्या फोर लेस देन इक्वल टू टू है, ये ट्रू है, कंट्राडिक्शन आ गया ना। अतः ए मैट्रिक ए एम फोर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा, बस खत्म काम। क्वेश्चन नंबर 25 आप बताइए क्या होगा आंसर। डी आपने कैसे डिस्कार्ड किया, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू क्या है, वन बाई थ्री वन बाई थ्री वन बी थ्री, तो डी तो मैट्रिक हो जाएगा, तो डी वाला आपका ट्रू हो गया, तो खत्म कर दिया आपने। सी तो अभी हमने थोड़ा देर पहले इतना लंबा चौड़ा वहीं प्रूफ किया, तो सी खत्म हो गया, अब बचा ए और बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग देखते हैं कैसे होगा। देखिए, ए तो हमने जो अभी काफी देर से प्रैक्टिस किया उसके बेस पे दोनों ट्रू हो गया, अब बचा हमारे पास से, तो आपके पास डी वन डी टू डी थ्री क्या है, सारे मैट्रिक है, इसका मतलब होगा सारे मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी होल्ड करे होंगे। ए डी टू मैट्रिक है ना, ठीक है, डी टू मैट्रिक है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, एक्स वाई इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। तो चलिए मानिए कि मैंने एक्स इक्वल टू वाई मान लिया, ए मैट्रिक को कुछ मैंने ई नाम दे दिया, तो ई क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए जब एक्स इक्वल टू वाई लूंगा, बट ए क्या देगा, इसको जब एक्स इक्वल टू वाई लूंगा मैं तो क्या दे देगा, मैक्सिमम ऑफ डी टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई पे जीरो हो जाएगा ना, और टू इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा, टू। अब ये जीरो तो नहीं हुआ, तो जीरो नहीं हुआ तो एम टू प्रॉपर्टी फेल्ड हो गया, तो एम टू फेल्ड हो गया तो मैट्रिक नहीं होगा बी। तो ये तरीका समझ में आया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर एट दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा देर पहले मैंने कुछ ट्रिक बताया था क्वेश्चन नंबर एट के लिए। तो वहां पे मैंने क्या बताया था कि अगर यूजुअल मैट्रिक होता है तो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि कंप्लीट होगा, ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि ऊपर वाला क्वांटिटी छोटा है नीचे वाला बड़ा है,
ठीक है, तो क्या हो गया, बाउंडेड हो गया यहां से, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये बाउंडेड भी हो गया और प्लस में कंप्लीट भी है, ठीक है, इतना हमें पता चल गया। अब देखते हैं, बोला बाउंडेड बट नॉट कम्पैक्ट, अच्छा इसको बाद में करते हैं, बाउंडेड बट नॉट कम्प्लीट ये गया, कम्पैक्ट बट नॉट कम्प्लीट ये भी गया, नॉट बाउंडेड ये भी गया। देखो बस हमने दो वर्ड जाना और उसी के बेस पे हमने बता दिया कि ये चीज फर्स्ट इसका ट्रू होगा। ये क्लियर है सबको? सिक्सटी टू नंबर क्वेश्चन देखिएगा एक बार, एक एक्स इक्वल टू ले लिया 1 और वाई इक्वल टू ले लिया 0.5, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 0.5, और 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 0, ठीक है, तो बट यहाँ पे ना तो 1, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट आपका फॉल्स हो गया, फर्स्ट फॉल्स होते ही फोर्थ ट्रू हो गया। अब आपका होमवर्क रहेगा कि 2 एंड 3 देख लेना कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर 2 एंड 4 है, ठीक है, मतलब इसमें एक चीज ए होल्ड कर रहा है और एक चीज ए होल्ड कर रहा है, मतलब आपका ए होल्ड नहीं करेगा। तो आप लोग इसको होमवर्क है कर लेना और क्विकली एक क्वेश्चन करिए, बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। क्वेश्चन नंबर 69 करिए। अब देखो, अब ए बेवकूफ बनाने के लिए दिया है ना, ठीक है, जब हमें क्या, हमने क्या पढ़ा कि जब D1 D2 मैट्रिक्स है तो ए चाहे कुछ भी उठा के दे दे, क्या इनसे फर्क पड़ना है, इसको आंख बंद करके भूल जाओ, डायरेक्टली इस पे कॉन्सेंट्रेट करो कि जब D1 D2 कोई मैट्रिक्स है तब आप देखो, ए हमने पढ़ा था, ये देखो कोफिशिएंट क्या हो, माइनस हो गया ना, तो खत्म हो गया, ए पढ़ा था, ए पढ़ा था, हो गया खत्म का।